सुप्रीम कोर्ट से आज मोदी सरकार के लिए बुरी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में केंद्र सरकार के इस आपत्ति को खारिज कर दिया है कि गोपनीय दस्तावेजों को गलत ढंग से, जिस दस्तावेजों को प्राप्त किया गया था याचिकाकर्ताओं के द्वारा, उस आधार पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आपत्ति को खारिज कर दिया है और इस आपत्ति के खारिज होने से एक बार फिर राफेल मामला जिंदा हो गया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस आपत्ति को मान लिया होता तो राफेल मामला खत्म हो गया होता। चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसे में जब विपक्ष कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल के मामले को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे, एक बार फिर इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे, मोदी सरकार पर हमला करेंगे। चूंकि मौसम चुनावी है, ऐसे में मोदी सरकार हो सकता है बैकफुट पर हो। भले ही अभी फिलहाल इस मामले में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के लिए अलग से तारीख तय होगी, लेकिन जब भी सुनवाई होगी तब तब ये बात आएगी कि जो विपक्ष सरकार पर, मोदी सरकार पर और मोदी के खिलाफ आरोप लगाता रहा है राफेल को लेकर कि चौकीदार चोर है, इस पर फिर एक बार चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस होगी कि राफेल के मामले में, राफेल की खरीदारी में जो कीमतें तय हुई थी वहां कहां गड़बड़ी हुई है। दूसरी बात, इस पर भी बहस होगी कि जो ऑफसेट पार्टनर चुना गया था अनिल अंबानी की कंपनी को, क्या उस मामले में भी कुछ गड़बड़ी हुई थी। तो नए तथ्यों के साथ, नए दस्तावेजों के साथ एक बार फिर पुनर्विचार याचिका पर राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और जब जब जिस दिन भी सुनवाई होगी उस दिन सियासत में राफेल की गूंज सुनाई देती रहेगी।